और जिस वक्त पीएम मोदी अमेरिका में हैं, ठीक उसी वक्त चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर से उजागर हुआ है। चीन मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में शामिल लश्कर के आतंकी साजिद मीर के बचाव में उतर आया है। भारत अमेरिका ने यूएन में साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर चीन ने वीटो लगा दिया है। चीन के वीटो लगाने की बात उस वक्त सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेट गेस्ट के तौर पर अमेरिका में है, जिससे चीन बेहद परेशान है और चीन की तरफ से ये कदम उठाया गया है साफ दिखाता है कि कैसे 26/11 के हमलावरों का मददगार चीन बन रहा है, कैसे उनके साथ सिंपैथी चीन दिखा रहा है। चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया साजिद मीर को बचाने के लिए। और वहीं आतंकी साजिद मीर पर अमेरिका का बयान सामने आया है। प्रस्ताव पर हमारा विश्वास सब बताता है, जॉन किर्बी ने यह बात कही है। भारत यूएस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है, किर्बी ने अपना रुख इस पर साफ किया। China has blocked a proposal by India and US at the United Nations to designate Lashkar-e-Taiba terrorist Sajid Mir, wanted for his involvement in the 26/11 terrorist attacks, as a global terrorist. Your reaction on that, please? Our belief in that designation, I think, speaks for itself, and I'd leave it at there. On your second question, you're right. There is a very robust defense cooperation between the United States and India, and we are working and will continue to work to see if we can improve and deepen that defense cooperation. तो आतंकियों को लेकर ड्रैगन की दगाबाजी कैसे सामने आई है, ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका में पीएम मोदी और यूएन में चीन की चालबाजी। जी हां, मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर का बचाव चीन ने किया है, और ऐसे वक्त में किया है जब प्रधानमंत्री अमेरिका में 26/11 हमले में शामिल था साजिद मीर, जिसके बचाव में चीन उतरा है। साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव था भारत और अमेरिका की तरफ से, लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। भारत और अमेरिका का यह साझा प्रस्ताव था जिसके खिलाफ चीन खड़ा हुआ। चीन ने यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को रोक दिया, इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया चीन ने। और यह साफ बता रहा है, दिखा रहा है कि किस तरीके से चीन आतंकियों का समर्थक बनकर उभरता नजर आ रहा है। जब बात भारत की हो, जब भारत और अमेरिका की साझेदारी की हो, तो जल्दी से देखिए हम समझते हैं कि कौन कौन वो बड़े चेहरे हैं। कब कब रोका ग्लोबल आतंकी का प्रस्ताव, यह भी देखिए उन लोगों के समर्थन में जो आतंक के सरगना रहे हैं। साजिद मीर, लश्कर ए तैयबा, जिसको मौजूदा दौर में वीटो का इस्तेमाल करते हुए बचाया है चीन ने। और देखिए अक्टूबर 2022 में ऐसी ही हरकत चीन ने की थी, लश्कर ए तैयबा के प्रमुख आतंकी को बचाया था, और अब्दुल रऊफ अजहर को भी, जैश ए मोहम्मद के आतंकी को 2023 मई में इसी तरीके से बचाया था। तो लगातार चीन की ऐसी हरकतें रही हैं। जब वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की बात होती है, तो चीन ऐसे समय में धोखा देता है, भारत के रास्ते में अड़ंगा डालता है। और चीन की चाल पर भारत का क्या बयान है, यह भी हम आपको बताते हैं। साजिद मीर ग्लोबल आतंकी है, भारत ने कहा है, और चीन ने देखिए इसी आतंकी के समर्थन में वीटो का इस्तेमाल किया है।